हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज T20 वर्ल्ड कप 2022 में हमें मुकाबला देखने को मिला था ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के टीमों के बीच में, और इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने श्रीलंका की टीम को हरा दिया, जिसके बाद अब पूरे T20 वर्ल्ड कप के पॉइंट्स टेबल हमें पूरी तरीके से बदलती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पर इस पूरे टूर्नामेंट की पूरी पॉइंट्स टेबल दोनों ही ग्रुप की आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोज़ की अपडेट आप सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अब T20 वर्ल्ड कप में। आज के दिन में हमें एक ही मुकाबला देखने को मिला था, और ये मुकाबला था ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच में। ग्रुप ए की दोनों ही टीमों के लिए मुकाबला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मुकाबले को हार जाती तो T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते। लेकिन ऐसा हमें देखने को नहीं मिला, और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने श्रीलंका को हराकर अपने T20 वर्ल्ड कप 2022 में जाने की उम्मीदों को बरकरार रखा है। तो अगर बारी बारी से अगर पॉइंट्स टेबल की बात की जाए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रुप टू यानी कि ग्रुप बी के पॉइंट्स टेबल की। तो यहां पर अगर हम सबसे नीचे पोजीशन से स्टार्ट करें, तो नंबर 6 पर हमें आज के बाद देखने को मिलती है नीदरलैंड की टीम, जिन्होंने एक मुकाबला खेला है और उस मुकाबले में हार के बाद इनके 0 पॉइंट्स हैं। नेट रन रेट है -0.450 का। इनसे ऊपर नंबर 5 की पोजीशन पर आती है पाकिस्तान की टीम, एक मुकाबला इन्होंने भी खेला है भारत के खिलाफ, उस मुकाबले को हारने के बाद इनके भी 0 पॉइंट्स हैं और इनका नेट रन रेट है -0.050 का। इसके बाद पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 की बात की जाए, तो यहां पर आती है जिम्बाब्वे की टीम, जिन्होंने एक मुकाबला खेला है और काफी ज्यादा लकी है उस मुकाबले में रहे, क्योंकि बारिश की वजह से बच गए थे और उस मुकाबले को टाई होने की वजह से, ड्रॉ होने की वजह से जिम्बाब्वे का एक पॉइंट है और इनका नेट रन रेट है 0 का। इसके बाद पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पर आती है साउथ अफ्रीका की टीम, जो कि काफी ज्यादा अनफॉर्चुनेट रहे थे अपने पहले मुकाबले में, एक मुकाबला खेलने के बाद ये भी जीते कोई नहीं है, लेकिन इस मुकाबले का कोई रिजल्ट नहीं आया था, तो इनको भी एक ही पॉइंट मिल पाया और इनका नेट रन रेट है 0 का। तो साउथ अफ्रीका बहुत ही ज्यादा अनलकी रही है और इनके सेमीफाइनल में जाने की उम्मीदों को भी तगड़ा झटका लग चुका है। नंबर 2 पर आती है भारत की टीम, जहां पर अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान की टीम को हराने के बाद भारत के 2 अंक हो चुके हैं और इनका नेट रन रेट है +0.050 का, और भारत के सेमीफाइनल में जाने की उम्मीद है काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इसके बाद अगर बात की जाए ग्रुप 2 के टेबल टॉपर्स की, तो यहां पर हमें देखने को मिलती है बांग्लादेश की टीम, जिन्होंने एक मुकाबला खेला है और उस मुकाबले में जीत के बाद पॉइंट्स तो इनके भी 2 हैं, लेकिन इनका नेट रन रेट भारत की टीम से अच्छा है, इनका नेट रन रेट है +0.450 का, जिसके चलते ग्रुप 2 में बांग्लादेश की टीम टॉप पर पहुंच चुकी है। अब अगर बात की जाए ग्रुप ए की, जिस ग्रुप में हमें आज का मुकाबला देखने को मिला था, तो वहां पर आज के मैच के बाद नंबर 6 की पोजीशन पर हमें देखने को मिलती है आयरलैंड की टीम, जिन्होंने एक मुकाबला खेला है और उस मुकाबले में हार के बाद इनके 0 पॉइंट्स हैं। नेट रन रेट की बात की जाए तो -2.467 का नेट रन रेट इनका चल रहा है। इनके बाद पॉइंट्स टेबल में नंबर 5 पर आती है अफगानिस्तान की टीम, जिन्होंने एक मुकाबला खेला है और उस मुकाबले में हार के बाद अफगानिस्तान की टीम के भी 0 पॉइंट्स हैं और इनका नेट रन रेट है -0.620 का। इनसे ऊपर पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 पर आज के मुकाबले के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम आ चुकी है, जहां पर 2 मुकाबलों में 1 जीत और 1 हार के बाद ऑस्ट्रेलिया के 2 पॉइंट्स हैं, लेकिन क्योंकि इनका नेट रन रेट काफी खराब है -3 का, जिसके चलते ये टीम पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 पर है। नंबर 3 की पोजीशन की बात की जाए, तो यहां पर आती है इंग्लैंड की टीम, जिन्होंने एक मुकाबला खेला है, एक मुकाबले में जीत के साथ ही इनके 2 पॉइंट्स हैं और नेट रन रेट है +0.620 का। नंबर 2 पर आती है श्रीलंका की टीम, जिनका आज दूसरा मुकाबला था और एक मुकाबले में जीत और एक मुकाबले में हार के बाद श्रीलंका की टीम के भी 2 पॉइंट्स हैं और इनका नेट रन रेट है +2.467 का। फाइनली अगर हम बात करें ग्रुप ए के टेबल टॉपर्स की, तो अभी भी न्यूजीलैंड की टीम टेबल टॉपर्स है, जहां पर एक मुकाबले में एक मुकाबला जीतकर इस टीम के 2 पॉइंट्स हैं और इनका नेट रन रेट है +4.450 का। तो ये वीडियो यहीं तक थी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।